हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रखते हैं तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो गिव्स द प्रोडक्ट ज़ीरो। कोई भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, अगर आप ज़ीरो से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ओवरऑल आंसर ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है 9 × 0 = 0। कोई भी नंबर हो, 200 × 0 = 0, 1058 × 0 = 0, 235 × 0 = 0, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट जो है उनका वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन गिव्स द प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अगर आप, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी हमने इसके पहले ज़ीरो का देखा, वन से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपका आंसर होगा। मतलब वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर वो नंबर ही मिलता है जिससे आपने वन को मल्टीप्लाई किया है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे लिया है 47 × 1। देखो 47 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 47। कोई भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही नंबर आएगा, राइट। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट कैन बी इंटरचेंज, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, दोनों नंबर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट मान लें, मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर मान लें, ये जो करने से भी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, इंटरचेंज, एंड दिस विल मेक नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट, ठीक है। उनके प्रोडक्ट में इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल दिया हुआ है, 9 × 4 करेंगे तो भी 36 आएगा और 4 × 9 करेंगे तो भी 36 आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर की पोजीशंस चेंज हो जाएं या उनके नंबर, मतलब वो जो नंबर्स हैं उन्हें आप इंटरचेंज कर दें तो भी मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही होगा। तो इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखना। अगर ये ध्यान है तो हम आसानी से बहुत सारे जो मल्टीप्लिकेशंस हैं बड़े बड़े नंबर्स के वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।